न्यू शबरीनगर इलाका किन परिस्थितियों से जूझ रहा है आज पूरा मध्य प्रदेश जान गया। इधर ग्वालियर में महल गांव इलाके में रोड डामरीकरण कार्य के भूमि पूजन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। भूमि पूजन करने कांग्रेस के विधायक सतीश शिकरवार पहुंचे थे, उन्हें देखते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता फिर आमने सामने आ गए। कांग्रेस विधायक ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बदसलूकी और गाली गलौज का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपाइयों ने जान से मारने की धमकी दी है, साथ ही सुरक्षा कर्मी की बंदूक लौटने की कोशिश की है। विधायक के गार्ड ने एसपी से इस बात की शिकायत भी की। बीजेपी का कहना है कि काम तो बीजेपी सरकार करा रही है, लेकिन झूठी वाहवाही लूटने कांग्रेस के विधायक आकर यहां भूमि पूजन कर रहे हैं। अपन सड़क का भूमि पूजन करने गए, कुछ अनुशासन तत्वों को किन्हीं लोगों ने भेजा, उनसे गुंडागर्दी कराने का प्रयास किया, मेरे गनमैन के साथ धक्का मुक्की कही, उसकी कारवाई लूटने का प्रयास किया और जान से मारने की धमकी दी। वीडियो में साफ देख रहे हैं, कह रहे हैं कि 250 आदमी का परिवार है, जान से मरना हो तो आ जाना, इस तरह का गुंडागर्दी का माहौल कर रहे हैं। सरकार विधानसभा देती है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए ना, तो कहीं दिख नहीं रहा मेरे को कि 3 करोड़ रुपए का विकास कार्य दिख रहा हो मेरे को। निश्चित तौर पर यदि विधायक फंड आपका उपयोग में आए तो क्षेत्र के अंदर आज समस्याएं हैं, सड़क की, पानी की, बिजली की, देखें नहीं। तो मेरा मानना है कि आरोप प्रत्यारोप के बजाय अपने विधायक फंड का उपयोग करें।